हाँ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से नए नियम में प्रकाश की पोथी उसका 20वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 7वें पद से लेकर उसके 15 पद तक। जब वो 1000 वर्ष पूरा हो गया ता शैतान अपनी कैद तो छड़िया जाएगा अते उन्हां कौमां नूं जिहड़ियां धरती दीआं चौहां कूटां विच हन अर्थात गोग अते मगोग नूं भरमाउण लई निकलेगा भाई उन्हां नूं युद्ध लई इकट्ठा करे उन्हां दी गिनती समुंदर दी रेत जिन्नी है उह सारी धरती उत्ते चढ़ पए अते संतां दे डेरे अते प्यारी नगरी नूं घेरा पा लिया ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਤੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਸੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੱਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਛੋਟੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਿਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਇਹ ਦੂਈ ਮੌਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਕਾ ਵਚਨ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਕਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਹੈ ਯਦਿ ਸੱਚਾਈ ਕੋ ਜਾਨੋਗੇ तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि आप उसको दिल के अंदर उतार पाओ और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार जीवन जी सको। यहाँ पर जो वचन आज हमने पढ़ा प्रकाश की पोथी उसका 20वां अध्याय और 7वें पद से लेकर हमने 15 पद तक इस वचन को हमने पढ़ा और वहां पर को एक बार फिर से पढ़े उसका 13वां पद। अते समुंदर ने ओदे मुर्दे जेडे ओदे विच सन मोड़ दिते अते काल अते पताल ने ओ मुर्दे जेडे उना विच सन मोड़ दिते अते हरेक दा न्यों यहाँ पर लिखा है कि लोगों का जो न्याय था वो उनकी करनियों के अनुसार किया गया। फिर उसका 12वां पद भी कोई पढ़ो। अरे मैं मर्दियां रुकी वड्डे की छोटे से आसन दे अगे खलोतियां वेख्या अते पोथियां खोलियां गईयां अते एक होर पोथी जिहड़ी जीवन दी पोथी है खोली गई अते मर्दियां दा न्याय पोथियां च लिखियां होईयां गल्लां तों यहाँ फिर एक बार लिखा है कि लोगों का न्याय जो था वो उनकी करनी के अनुसार किया गया। इसका मतलब हम जो भी काम करते हैं वो काम एक पोथी में लिखा जाता है और जब अंत का समय आएगा जब ये वाला न्याय करने का दिन आएगा तब हमारे परमेश्वर उस पोथी को खोलेंगे और उसमें हमारे जो काम लिखे हैं उस काम के अनुसार हमें बदला देने वाले। हालेलुया। परमेश्वर हमें हमारे काम के अनुसार वो बदला देने वाले। एक बार दाऊद राजा जो कि परमेश्वर का अभिषिक्त दास था और परमेश्वर की आज्ञाकारी करने वाला था, हर बार परमेश्वर से पूछकर ही आगे बढ़ने वाला इंसान, लेकिन एक बार दाऊद से गलती हो गई और एक बार उन्होंने वो काम किया जो परमेश्वर की निगाह में सही नहीं था।
जो गुनाह था, जो पाप था, वो दाऊद ने कर दिया। दाऊद ने एक लड़की जिसका नाम था बासेबा, उसके साथ व्यभिचार किया। उसका जो पति था, उसके पति को मरवा दिया। मरवा भी कैसे दिया, डायरेक्ट नहीं कि चलो इसका मर्डर कर देते, लेकिन लड़ाई चल पड़ी थी। उसका पति योद्धा था, उसको वहां पर युद्ध में भेज दिया और लोगों को बोल दिया कि जब युद्ध चल पड़े तब इसके आसपास से लोग वहां से हट जाना, वो अकेला हो जाएगा और दुश्मन उसको खत्म कर देंगे। और ऐसा ही हुआ, लड़ते लड़ते वो इंसान मारा गया। उसके बाद उसकी जो पत्नी थी उसको अपनी पत्नी बना ली। दाऊद अब तक बहुत सही से चले थे। इस दिन तक उन्होंने परमेश्वर की निगाह में जो सही था वही किया था। हर बार परमेश्वर से पूछकर ही काम करते थे, लेकिन यहां पर उनसे गलती हो गई। उनको एक बच्चा भी हुआ। तब तक ये दाऊद राजा को ये नहीं पता चला कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। एक साल के बाद मतलब कि बच्चा हो गया, अगर अंदाज लगाए तो हो सकता है एक साल के करीब हो गया होगा। और तब परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को, अपने नबी को दाऊद के पास भेजा। और नबी ने जाकर दाऊद को बताया कि दाऊद तूने गलती की है, दाऊद तूने गुनाह किया है। जब दाऊद को ये सारी बातें बताई, दाऊद ने अपने गलती को मान लिया, दाऊद ने अपने गुनाह को मान लिया। परमेश्वर ने भी उससे बताया कि कोई बात नहीं, तेरा गुनाह मैं माफ कर देता हूं, लेकिन तूने परमेश्वर के एक दास होने के नाते, तेरा मस्सा हुआ है, तू अभिषिक्त है, और ऐसे व्यक्ति होकर तूने जो गुनाह किया है उसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। और परमेश्वर ने कहा तेरे घर के अंदर से ही तेरा विरोध होगा, तेरे घर के लोग ही तेरे सामने तलवार लेकर आने वाले हैं। जो तूने दूसरे के साथ किया वही तेरे साथ किया जाएगा। और तकरीबन बीच में 11 साल बीत गए, तब तक दाऊद को कुछ नहीं हुआ, कोई दंड नहीं आया। लेकिन 11 साल के बाद तो दाऊद के ऊपर दंड आया ही आया। उन्होंने जो काम किया था, जो करनी की थी, उसका फल उनको भुगतना पड़ा। परमेश्वर बोलते न्याय के दिन तुम लोगों ने जो काम किया है उस काम के अनुसार, उस करने के अनुसार जो उसका फल मिलने वाला है वो तो मैं दूंगा। लेकिन ये तो परमेश्वर उस दिन की बात की जब परमेश्वर न्याय करने के लिए बैठेंगे। लेकिन यहां पर तो दाऊद को इसी धरती के ऊपर, हालेलुया, इसी धरती के ऊपर उनको अपनी करने के अनुसार फल मिला। इसी धरती के ऊपर, और दूसरे कुरंथी में लिखा है, दूसरा कुरंथी उसका 5वां अध्याय उसका 10वां पद, क्यों जो हथबरा ने मसीह के न्याय के सिंहासन के प्रगट होना है, भाई हरेक जो कुछ उसने देही विच कीता भावे भला भावे बुरा आपो अपने कर्मियों के अनुसार उसका फल भोगे। यहां पर लिखा है कि सभी लोगों ने अपने शरीर में होकर, शरीर में रहकर जो भी गुनाह किया है, जो भी पाप किया है, उसका फल भुगतने के लिए प्रभु उसके सिंहासन के सामने उसको खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन यह भी आखिरी दिन की बात है, आखिरी दिन उसको ये फल जो है वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन दाऊद के साथ ऐसा हुआ कि इसी धरती के ऊपर, इसी धरती के ऊपर
उसको फल भुगतना पड़ा। अभी जब न्याय का दिन आएगा तब की बात और है, लेकिन उसने तो अभी फल भुगत लिया। एक बार फिर दाऊद से एक और गलती हो गई। अभी दाऊद से गलती हो गई कि दाऊद ने सोचा मैं तो राजा हूं, इसराइल के ऊपर मैं राज कर रहा हूं, तो मैं कितने लोगों के ऊपर राज कर रहा हूं, उनकी गिनती कितनी है ताकि मैं बता सकूं। कई बार लोग जॉब करते हैं, कंपनी में जॉब करते हैं, कोई सुपरवाइजर होता है, कोई मैनेजर होता है, वो बोलता है मेरे हाथ के नीचे 200 लोग है, कोई बोलता है मेरे हाथ के नीचे 300 लोग है, कोई बोलते हैं मेरे हाथ के नीचे 50 लोग है। उनको लगता है कि हाँ मेरे हाथ के नीचे इतने लोग है काम करने वाले, मैं उनका बॉस बनकर बैठा हूं। एक बार दाऊद को भी ऐसा हो गया। दाऊद ने भी सोचा मैं भी तो राजा हूं, मैं कितने लोगों के ऊपर राज कर रहा हूं, इसकी गिनती तो लगाओ। तो उसने अपने सेनापति से कहा जाओ गिनती लगाओ इसराइल में कितने लोग है। और परमेश्वर ने कहा था कभी भी मेरे लोगों की गिनती मत करना, मेरे लोग अनगिनत है, मेरे लोग जो है वो आसमान के सितारे के समान है, उनकी गिनती नहीं हो सकती, उनका सही अंदाजा कभी नहीं निकल सकता। और इसलिए परमेश्वर की आज्ञा थी कभी गिनती मत करो। लेकिन दाऊद को एक बार ऐसा हो गया मैं कितने लोगों पर राज कर रहा हूं, मैं भी तो लोगों को बताऊं मैं इतने लोगों के ऊपर राज कर रहा हूं। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री बोलते 130 करोड़ की जनता पूरे भारत के ऊपर राज कर रहे, तो 130 करोड़ को याद करते, लेकिन क्या हम 130 करोड़ है? हम 130 करोड़ नहीं है, कुछ ज्यादा कुछ कम होंगे हम लोग, क्योंकि पंजाब से गिनती करते करते अगर इधर जाएंगे दो चार इधर पैदा हो जाएंगे जिनकी गिनती नहीं हुई थी, सही गिनती नहीं आ सकती, 8-10 लोग मर जाएंगे, वो तो गिनती में आ चुके थे, सही गिनती नहीं आ सकती। सही गिनती परिवार में आ सकती है, अगर हम हमारे परिवार की गिनती करें तो सही गिनती आ जाएगी, क्योंकि तो उसमें कुछ ही लोग है तो पता चल जाएगा कितने लोग है, लेकिन पूरे देश की गिनती नहीं हो सकती। और परमेश्वर ने तो इसराइल के लिए पहले से ही बोला था इनकी गिनती नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना बढ़ाऊंगा इनको। तो इसराइल के लोग थे इतने, सेनापति ने भी बोला राजा तू है तो राजा, जितने भी लोग है लेकिन तू ही राजा है, क्यों गिनती करवाता है? लेकिन दाऊद ने बोला नहीं करो गिनती, गिनती करने वाले गिनती करने के लिए निकल गए। आधे तक गिनती की, उनका मन नहीं माना कि राजा तो बोल रहा है लेकिन ये तो परमेश्वर के खिलाफ वाली बात है। फिर दाऊद को भी लगा मैं भी गलती कर रहा हूं, परमेश्वर ने तो मना किया है, उसने फिर तौबा किया, उसने परमेश्वर से कहा परमेश्वर मेरी गलती हो गई। लेकिन फिर परमेश्वर ने अपने नबी को उसके पास भेजा और उसने दाऊद को बोला कि दाऊद तूने गलती की, तूने गिनती करवाई। बोला हाँ मेरी गलती हो गई, मैंने गिनती करवाई। तो बोला अभी परमेश्वर ने तीन बातें कही है, तीन दंड भेजे तेरे ऊपर, तीन में से तू जैसी सजा बोलेगा वैसी सजा परमेश्वर तुझे करेंगे, लेकिन दंड तुझ पर आने वाला है, सजा तुझ पर आने वाली है, कौन सी सजा की जाए तू बता। और तब दाऊद ने कहा मैं तो परमेश्वर के हाथों में पड़ने वाला हूं, परमेश्वर को जो करना है करे। और एक बार फिर दाऊद को उस दंड से गुजरना पड़ा, तब भी तो दाऊद जिंदा थे। परमेश्वर कहते जब न्याय करेंगे तब हमारी करने के अनुसार हमको बदला देंगे, तब तो हमको मिलने ही वाला है करने के अनुसार बदला। इस शरीर के अंदर रहकर हमने जितने भी भले बुरे काम जो भी किया है उसका फल हमको मिलने वाला है। लेकिन दाऊद के जीवन में जब हम देखते तब उसको इसी धरती के ऊपर उसको बदला मिल गया। दोनों बार उन्होंने पापों की क्षमा मांग ली, दोनों बार परमेश्वर ने बोल दिया कोई बात नहीं मैं क्षमा करता हूं, लेकिन दंड तो तुझ पर आएगा। और दंड आया भी सही, सब भुगता भी। एक बार इसराइल के लोग अपने वचन के देश के लिए लड़ रहे थे, और तब एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था ए, और वहां के लोगों की गिनती कम थी। यहोशुआ ने वहां पर कुछ जासूस लोगों को भेजा, उनको बोला देख कर आओ ये लोग कैसे हैं, कितने लोग हैं। वहां से लोग आए वापस और बोले वो तो गिनती में बहुत कम है, तो हम ऐसा करते हैं 2 या 3 हजार लोग जाते हैं लड़ने के लिए, हमें सभी लोगों को नहीं जाना है,
तो उसने बोला कोई बात नहीं 3000 लोग जाओ, लेकिन वो लोग हार कर आए, कुछ लोग मर गए। और उसका कारण ये था कि भाई इसराइल के अंदर एक इंसान था जिसका नाम था आकान, और वो जो इंसान था वो कुछ शराबी चीज लेकर अपने तंबू में छुपा कर आया था। उसी की वजह से परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर भड़का हुआ था, और परमेश्वर ने यहोशू को बोला, यहोशू उठ, देख तेरे लोगों ने गुनाह किया है, तेरे लोगों ने पाप किया हुआ है, तेरे लोग कुछ शराबी चीज लेकर आए हुए हैं और उसको तंबू के बीच में उसको छुपा कर रखा है, लोगों को इकट्ठा कर, और मैं तुझे बताता हूं कि वो इंसान कौन है। अभी परमेश्वर उसको नाम से जानते थे आकान को, कि आकान है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने यहोशुआ को ऐसा नहीं बोला कि मैं उसको निकाल कर लेकर आता हूं, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि 12 गोत है, पहले मैं गोत को पसंद करूंगा, एक गोत को बाहर निकालूंगा, बताऊंगा कि इसके अंदर गुना है, उसके बाद उसका जो मुखिया है उस मुखिया को बाहर निकालूंगा कि इसके अंदर, इसके खानदान के अंदर जिसने गुनाह किया है वो इसके अंदर है, उसके बाद मैं उसके परिवार को निकालूंगा और मैं बताऊंगा कि इसके अंदर वो इंसान है, और उसके बाद मैं उस इंसान को नाम से बाहर निकालूंगा। अब यहोशुआ ने चारों ओर सभी को बता दिया कि कल परमेश्वर ऐसा ऐसा करने वाले, सभी लोग बाहर आ जाओ, सभी लोग बाहर आ गए। क्यों परमेश्वर ऐसा काम कर रहे? जब दाऊद ने गुनाह किया परमेश्वर ने अपने नबी को उसके पास भेज दिया, यहां पर किसी ने पाप किया परमेश्वर ने किसी को वहां पर नहीं भेजा, परमेश्वर ने यहोशुआ को बोला सभी को इकट्ठा कर मैं निकालूंगा। अभी आकान को तो मालूम है, जिसने गुनाह किया उसको तो मालूम है कि वो इंसान मैं हूं, जिसकी वजह से परमेश्वर क्रोधित हुए वो तो मैं हूं, लेकिन वो उसने अभी तक अपना गुनाह नहीं माना, उसने अभी तक अपने पाप जो उसको कबूल नहीं किया। परमेश्वर ने सभी को इकट्ठा किया, परमेश्वर ने पहले गोत को बाहर निकाला, बोले जिसने पाप किया वो इसी गोत के अंदर है, उसके बाद परमेश्वर उसके मुखिया को बाहर निकाला। फिर भी ये जो आकान है वो समझ नहीं रहा, उसने अपने गुनाह को कबूल नहीं किया, उसके बाद उसके परिवार को निकाला, परिवार के मुखिया को निकाला, फिर भी आकान ने नहीं माना। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि आकान है, इसने काम किया है। और तब यहोशुआ ने उसको पूछा आकान तूने क्या किया है, तब उसे सारी बातें बताई कि मैं शनियारी एक कुर्ता था वो मैं लेकर आया हूं, मैं कुछ सोना लेकर आया हूं और उसको मैंने मेरे तंबू के बीच में छुपा कर रखा है। और यहोशू ने कहा कि तेरे कारण हम परेशान हुए, आज परमेश्वर तुझे परेशान करेंगे, परमेश्वर इसको हम क्या करें। और परमेश्वर ने बोला कि उसको पत्थर मार मार कर मार दो, और आकान को पत्थर मार मार कर मार दिया गया। देखो इसने भी जो काम किया था उसकी करने का फल उसको इसी जीवन के अंदर उसके जीते जी उसको एक फल मिल गया, उसको मार दिया गया। परमेश्वर बोलते मैं हर एक इंसान को उसकी करने के अनुसार बदला देने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर जागते रहना। परमेश्वर कहते मैं सभी इंसानों को, वो चाहे परमेश्वर का दास हो चाहे दुनिया का दास हो, चाहे वो परमेश्वर को मानता हो चाहे ना मानता हो, चाहे वो शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, लेकिन परमेश्वर सभी को उसकी करने का फल देने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर ने बोला है मैं दूंगा। और जब बाइबल पढ़ते जैसे बहुत सारे लोग हमें दिखाई देते, एक बार कोरा नाम का इंसान, उसके साथ 250 लोग और जो इज़राइल में अगुए बनकर बैठे हुए थे,
मूसा के जेरे अभिषेक किए हुए लोग थे, मूसा के जेरे छुड़ाए हुए लोग थे, उनको घमंड आ गया कि हम भी तो पवित्र लोग हैं, परमेश्वर हमसे भी तो बातचीत करते हैं, अभी हम भी तो अगुए हैं, तो मूसा हमका बॉस, हमारा बॉस बनकर क्यों बैठा हुआ है। सभी लोग मूसा से लड़ने के लिए गए, हे मूसा क्या परमेश्वर तेरा अकेले से बात करते है, क्या हमसे बात नहीं करते, क्या तू अकेला पवित्र है, क्या हम भी पवित्र लोग हैं, क्या हमारे बीच में परमेश्वर नहीं आते, क्या हमसे बातचीत नहीं करते, तो अपने आप को अगुआ क्यों मानता है। और तब परमेश्वर मूसा से कहा, मूसा इन सभी लोगों को अलग निकालो। 250 लोगों को अलग कर दिया गया। और उसी वक्त जो इस धरती के नीचे बीच में जो नरक है उसने अपना मुंह खोला, धरती फट गई और ये 250 के 250 लोग उसको निगल लिया नरक ने, और जिंदा का जिंदा वो लोग नरक में चले गए। इनको भी फल मिल गया, डायरेक्ट ही नरक में चले गए लोग, जैसा काम था वैसा ही फल मिला, जैसी करनी थी उस करनी के अनुसार इनको भी फल मिल गया। जैसा तो उमर उमरा को देखते, उनके जैसे काम थे उस काम के अनुसार सदोम और उमरा को उस वक्त जला दिया गया। वो आज तक नहीं बच पाया, आज तक वैसा का वैसा एक इसी धरती के ऊपर एक टापू है जिसको बोलते हैं हवा एक टापू। वहां पर जितने लोग रहते सभी लोग धनी लोग, वहां पर धरती के जितने भी धनवान लोग, धनवान मतलब बड़े बड़े धनवान लोग, ऐसे वैसे धनवान लोग हैं, वहां पर अय्याश करने के लिए जाते, वहां पर बस मौसम करने के लिए जाते। वो हवाई नाम की जगह जो है टापू है, वो समझो बाइबल का जो सदोम अमोरा था वैसी जगह थी। और एक बार वहां के एक पहाड़ में से लावा निकलने लगा, लावा कई बार निकलता है, लेकिन कभी एक दिन के लिए, कभी दो दिन के लिए, कभी हफ्ते के लिए, बस फिर खत्म हो जाता है। लेकिन वहां निकला, निकलता ही गया, उसका जोर बढ़ता ही गया, और यहां तक कि उस टापू को तकरीबन उसने खत्म ही कर दिया। हम सोचते ऊपर से आग आएगी, लेकिन हमारे नजर के सामने अगर किसी को शक आता हो तो इंटरनेट पर सर्च कर ले, इसके ढेर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये अभी की बात है, इसी 2019 की बात है। नीचे से लावा निकला और ज्यादातर हिस्सा जो है उसका खत्म हो गया जलकर। वहां की गवर्नमेंट ने बोल दिया, लोग यहां से छोड़कर भाग जाओ, बचना है तो निकल जाओ। लेकिन लोगों को ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन उसकी एक नदी बन गई, और जिस तरह से नदी बहती है उस तरह से वो लावा बहने लगा और बहुत लोगों को खत्म कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करने के अनुसार फल। हमारे परमेश्वर ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइबल में देते थे, अभी भी दे रहे, अभी भी परमेश्वर करने के अनुसार फल देते। क्योंकि इब्रानी 13:8 में लिखा है कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक जैसे ही एक, वो कभी नहीं बदलते। आज भी हमारे परमेश्वर जो है वो लोगों को उनकी करने के अनुसार बदला जो है वो देते ही देते। अब एक भाई साहब थे, काफी मसीह में बड़े, अच्छे से चलने लगे, आज्ञाकारी भी करने लगे, परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझे, वो लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, लोगों को चंगाई मिलती थी, परमेश्वर उनका भी इस्तेमाल करते थे, वो भी प्रचार कर लेते थे। और एक बार ऐसा हुआ, उनको पैर में किसी जगह पर खुजली आने लगी,
उनको ऐसा कोई बात नहीं, परमेश्वर है, सब कुछ मिटा देंगे। प्रार्थना करने लगे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, मालूम नहीं हफ्ता हुआ होगा, खुजली बंद नहीं हुई। एक बार बाजार में गए थे अपने परिवार के साथ, हो सकता है परिवार के लिए कुछ खरीद करना, हो सकता है कपड़े खरीद करना, मालूम नहीं जो भी है, लेकिन वो वहां पर गए थे और वहां पर कोई दवाई की दुकान थी और वहां पर बाहर बोर्ड लगा हुआ था, अगर आप लोग आपको कहीं पर खुजली आ रही है तो एक ट्यूब लेकर जाओ, बस दो बार लगाओ, आपकी खुजली गायब। तो भाई साहब को ऐसा हफ्ते तक तो प्रार्थना हो गई है, ये अच्छा है दो ही बार लगा दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने ले ली, घर पर आकर लगा दी, लगाकर सो गए। जब सुबह उठे तो सर से लेकर पैर तक सभी जगह पर खुजली, सभी जगह पर इंफेक्शन लग चुका था, सभी जगह पर फुंसी आ गई थी। उन्होंने मुझसे फोन किया, मैं चला गया उनके घर पर, सर से लेकर पांव तक पूरे बदन पर खुजली, सीधा बैठ ही नहीं सकते थे। मैंने बोला क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया? बोले मेरे से गलती हो गई। मैंने क्या गलती हो गई? बोले ऐसा हुआ। मैंने बोला कोई बात नहीं, प्रार्थना करते, लेकिन अभी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि प्रार्थना के बाद तुरंत आपकी बीमारी चली जाएगी। अभी आपने जो किया है, परमेश्वर ने जो भी दंड किया होगा, वो चाहे हफ्ता चले, चाहे 15 दिन चले, चाहे महीना चले, वो भुगतना पड़ेगा आपको। लेकिन प्रार्थना में बने रहेंगे ताकि परमेश्वर आपको बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, दूसरी गलती आप ना कर पाओ। उनके लिए प्रार्थना हुई, मुझे पक्का याद नहीं, लेकिन हो सकता है 10-12 दिन लगे और उसके बाद वो सारा इन्फेक्शन चला गया, बिना दवाई चला गया। थोड़ा था विश्वास नहीं करते हुए दवाई लेकर आए, दवाई से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं, लेकिन दवाई कब आती है? जब विश्वास नहीं होता। और वो भी ऐसा इंसान जो लोगों को सिखा रहा हो और उसके जीवन में दवाई आ जाए तो फिर क्या हालत हो जाएगी? दंड तो मिलेगा ही। तो आज भी हमारे परमेश्वर जो है वो करने के अनुसार हमें फल देते ही देते। तो बहुत ध्यान से समझना कि जो भी काम आप लोगों ने किए, जो भी काम आप ऐसे कर रहे हो, मैं भले बुरे की बात नहीं कर रहा, आप अच्छे काम करो चाहे बुरे काम करो, अच्छा काम करो तो अच्छा फल मिलने वाला है, लेकिन मिलेगा, और बुरा काम है तो बुरा फल, लेकिन मिलेगा सही। तो काम तो होंगे या अच्छे होंगे या बुरे होंगे, तो अगर अच्छे काम करते हो तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुरा काम है तो ऐसा फल। लेकिन परमेश्वर बोलते जैसी तेरी करनी वैसा तुझे फल जो है वो परमेश्वर बोलते मैं दूंगा। लेकिन जो पद हमने पढ़ा वो तो न्याय के दिन की बात है, लेकिन जो एग्जाम्पल हमने देखे वो तो सभी इसी धरती के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान समझना और जागते रहना कि परमेश्वर हमसे क्या बात करने के लिए जा रहे। एक बार यूसुफ, उसको एक सपना आया कि यूसुफ एक ऐसा लड़का था कि उसको सपने तो आते थे लेकिन सपने का मतलब भी समझ पड़ती थी उसको, उसे खुद पता चल जाता था कि सपना क्या कहने के लिए जा रहा है। उसको एक सपना आया और सपना उसने अपने पिता को बताया। जब पिता को बताया, पिता अकेले नहीं थे, वो लोग 12 भाई थे यूसुफ के साथ, एक बहन थी और माता और पिता, सभी के बीच में जब ये सपना बताया तो उसका मतलब ये होता था कि उसके जो 11 भाई लोग हैं वो आकर यूसुफ के आगे दंडवत करेंगे। परमेश्वर यूसुफ को अपने 11 भाइयों में सबसे ऊंचाई के ऊपर लेकर जाएंगे। अभी जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में सिर्फ इतना लिखा है
कि यूसुफ ने सपना कहा अपने बाप को, और उसका जो मतलब था उसके बाप को भी पता चल गया, और साथ में जो 11 भाई लोग थे ना उनको भी पता चल गया। और इसका मतलब यह हुआ कि 11 जो भाई लोग थे ना उनके पास भी परमेश्वर का यह वरदान था कि वो सपने का अर्थ समझ सके। दूसरी बार उसको सपना आया, दूसरी बार सपना आया उसका मतलब यह था कि उसके माता पिता भी उसके आगे दंडवत करते, परमेश्वर उसको उनके माता पिता से भी ऊंचाई के ऊपर लेकर जाते, 11 भाई और माता पिता से भी ऊपर। उसके बाप ने कहा क्या अब हम लोग भी तुझे दंडवत करेंगे क्या? मतलब उसके पिता को पता चल गया कि सपने का मतलब क्या है, साथ में उनके भाई लोगों को भी पता चल गया कि सपने का मतलब क्या है। अरे बहुत ध्यान समझना, मैंने बहुत सारे आत्मिक लोग देखे लेकिन जिसके पास सपने का भी मतलब भी हो ऐसे बहुत कम दिखाई देते। वो उन्हीं लोगों को मिलता है जो बहुत आगे बढ़े हुए। इसका मतलब ये है कि यूसुफ के माता पिता, उसके भाई लोग परमेश्वर में बहुत आगे बढ़े हुए लोग थे कि जिनको सपने का मतलब पता चलता था। अभी सपना ऐसा था, माता पिता और भाई लोग ये सभी से ऊपर यूसुफ। हालेलुया। अभी क्या हुआ, उसके भाई लोग हर बार सोचते थे कि यूसुफ का क्या करे, यूसुफ का क्या करे। उनको उसके प्रति ईर्ष्या आने लगी। ईर्ष्या इसलिए थी क्योंकि वो अपने भाइयों से ऊंचा उठने वाला था। एक बार ये लोग भेड़ बकरी चराने के लिए निकल गए, तो भेड़ बकरी समझो कि 100-200 नहीं थी कि हर रोज सुबह चराने के लिए जाओ शाम को वापस आ जाओ। इनके पास हजारों भेड़ बकरियां होती थी, इसलिए लोग क्या करते थे, निकल जाते थे व्यापार करने के लिए, उनको चराना, बेचना, खरीदना, ये सब कुछ होता रहता था। और कभी महीने में, कभी 2-2 महीने, कभी 6-6 महीने वो लोग वापस आते थे। एक बार ऐसे ही चले गए, काफी वक्त हो गया। पिताजी ने यूसुफ जो घर में था यूसुफ को बोला, यूसुफ तू जा देख अपने भाई लोग कहां पर है, देख कर आओ उनको। और यूसुफ उनको देखने के लिए चले गए। यूसुफ भी बहुत खुश थे कि बहुत समय के बाद मेरे भाई लोगों को मिलूंगा, उनसे भेंट करूंगा, उनके साथ बातचीत करूंगा, उनके साथ खाऊंगा। वो निकल पड़े और मालूम नहीं कितनी सफर तय करने के बाद उनको कहीं पर भाई लोग मिल गए। जैसे ही दूर से यूसुफ ने देखा वो तो बहुत खुश हो गए, मेरे भाई लोग। हो सकता है उसने दूर से ऐसे हाथ हिलाकर लोगों को बताया हो, उसके भाई लोगों ने भी देखा और यूसुफ आया। देखो एक लड़का ये सोच रहा है मेरे भाई लोग देखकर खुश, अब मैं जाऊंगा मिलूंगा उनसे। और वहीं पर उसके 10 भाई लोग हैं, वो सोच रहे कि अरे वो आ गया, ये तो वो है सपना देखने वाला, हमसे ऊंचाई के ऊपर जाने वाला, चलो आ तो जाए, आया है हमारे हाथ में, उसको खत्म ही कर देते, फिर देखते उसके सपने का क्या होता है। उसको भी मालूम है, उन सभी भाइयों को मालूम है कि सपना परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर इसको ऊंचाई के ऊपर लेकर जाने वाले है। लेकिन ये लोग क्या सोच रहे हैं, किसी भी तरह से इनको खत्म कर दो। कौन ऐसा सोच रहा है, जिनको सपने का अर्थ पता चलता है ऐसे लोग, विश्वास में बड़े हुए लोग। हालेलुया। और जैसे यूसुफ पास में आया, यूसुफ खुश होकर आया, वो गले मिलने गया होगा और उसके भाइयों ने उसको ऐसे ही पकड़ लिया होगा, सपना देखता है, हमसे बड़ा होगा होने वाला है, हम तेरे आगे आगे आकर दंडवत करेंगे क्या, और इसको खत्म कर दो। लेकिन तभी बड़े भाई, बड़ा जो भाई है उसके दिल में परमेश्वर ने काम किया, बोले मत मार इसको, पास में खड्डा है डाल दो उसको, फेंक दो वहीं पर, अपने आप भूखा प्यासा मर जाएगा, लेकिन हम क्यों मारे, कैसे भी हमारा भाई तो है, डाल दो खड्डे में। उसको खड्डे में डाल दिया गया। अब ये सभी भाई ये इसलिए कर रहे ताकि भविष्य में जो होने वाला है
परमेश्वर ने जो दिखाया है ऐसा उनके जीवन में ना होने पाए, यूसुफ उनसे आगे ना बढ़ने पाए, इनको यूसुफ के आगे जाकर दंडवत ना करना पड़े, इस कारण से ये लोग इस सारा काम कर रहे। यूसुफ के अंदर ऐसी कोई बात नहीं मैं अपने भाइयों से बड़ा हो जाऊं, सपना जरूर आया है, ये नहीं सोच रहा है कि मेरे भाई लोग आकर मुझे दंडवत करे, उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं। हाँ सपना जरूर आया है, परमेश्वर को जो करना है करे, उसने सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ा हुआ है। अभी उसके भाई लोगों ने उसको डाल दिया खड्डे के अंदर। उसके बाद वहां से इस्माइली लोग जा रहे थे व्यापार करने के लिए, कि भाई लोगों ने देखा बोले ये लोग जा रहे व्यापार करने के लिए, चलो ऐसा करते भाई को निकालते बेच देते उसको, इसको बेच दो फिर तो क्या वो गुलाम बना रहेगा, गुलाम को कौन छोड़ता है, गुलाम की अवस्था में मर भी जाएगा, क्या होगा उसके सपने का, बेच दो उसको। उसको खड्डे से बाहर निकाला और बाहर निकाल कर 20 चांदी के सिक्के में उसको बेच दिया। वो लोग उसको मिस्र देश में लेकर गए, वहां जाकर उन्होंने जो फिरौन था उसका खास इंसान था पुतिफार उसके हाथों में उसको बेच दिया। ये भाई लोगों ने एक भेड़ को काट डाली और यूसुफ का जो कपड़ा था उसको लहू में डुबो दिया और जाकर अपने बाप को बताया कि देखो हम रास्ते में आ रहे थे हमको ये कपड़ा मिला, कहीं तेरे बेटे का तो नहीं, देख ले। उसका बाप रोने लग गया कि मेरा चहिता बेटा वो तो मर गया, उनको नहीं मालूम वो जिंदा है अभी। भाई लोगों का ऐसा जहां भी होगा गुलाम होगा, अबे हमें कुछ लेना देना नहीं। लेकिन वक्त ने करवट ली और उस यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया, फिर उन्होंने उसको अच्छी सी गद्दी पर बिठा दिया। कारण यह था कि फिर उनको सपना आया और सपने का मतलब और उसके बाद में क्या करना है वो यूसुफ ने उसको बताया था। अभी क्या हुआ, वहां पर पूरी दुनिया में अकाल पड़ गया। ये बात है सिर्फ यूसुफ और मिस्र के लोग जानते हैं, इसलिए उन्होंने अनाज को एक जगह पर इकट्ठा किया हुआ है, उनके पास इतना कुछ भरा हुआ है कि पूरी दुनिया का गुजारा कर सके, लेकिन दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया है। अभी यहां पर याकूब यूसुफ का बाप वो सोच रहा है ये सब होते होते बीच में 13 साल बीत चुके, ये 13 साल के बाद जब लोग यूसुफ को भूल चुके अपने भाई को भूल चुके और एक जवानी में पैर रखने वाला इंसान अब पूर्ण रीति से जवान हो चुका है, उसके चेहरे में बदलाव आ चुका है, अब उसको कोई पहचान नहीं सकता। अब ऐसा हुआ याकूब बोलते कि हमारे पास खाना है नहीं, हमारे पास गेहूं चावल कुछ है नहीं, और मैंने सुना है कि मिस्र देश में मिलता है, जाओ जाकर लेकर आओ। उनको पैसा दिया और जो 10 भाई थे वहां पर लेने के लिए निकल गए और वहां पर यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, ये तो मेरे भाई है। चलो कहानी हमको मालूम है आगे, उसने एक भाई को वहां पर रख लिया और बोला कि अगर तेरे बाप जिंदा है, तुम्हारा छोटा भाई अगर जिंदा है तो बताओ लेकर आओ उसको। यूसुफ ने अपनी पहचान नहीं दी, वो अपने सगे भाई को मिलना चाहता था जिसका नाम बिन्यामिन था, उसको मिलना चाहता था। और दूसरी बार सभी लोग आए और यूसुफ ने अपनी पहचान दी कि देखो मैं यूसुफ हूं, और तभी सभी भाइयों ने उसके आगे दंडवत कर लिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो ध्यान समझना ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा पहले हो चुका है, ये बाइबल में लिखा गया है। बाइबल में लिखी हुई हर बात वो कहानी नहीं है, वो सच एक बात जो हो गई है वो बाइबल में लिखी गई है। अभी यहां से ध्यान से समझना,
यूसुफ को सपना आया था। सपने का मतलब ये था कि उसके 11 भाइयों में और माता पिता में उसको सबसे ऊंचा उठाया जाएगा और भाई लोग जो है वो उससे नीचे। और बाइबल में ऐसा लिखा है रसूल आदे करतब और उसका 10:34-35 में लिखा है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते, तो परमेश्वर यूसुफ का पक्ष नहीं करने वाले थे। अगर उसके भाई लोग प्रार्थना करते परमेश्वर से और परमेश्वर से ऐसा कहते, परमेश्वर हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि हम बड़े होकर भी हमारे छोटे भाई को दंडवत करें, परमेश्वर आप हमको बताओ आप हमें क्यों ऊंचा उठाना नहीं चाहते, क्यों हमारे छोटे भाई को ऊंचा उठाना चाहते हो, हमें उससे कोई ईर्ष्या नहीं है। लेकिन परमेश्वर उसका ऊंचा उठना उसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसके आगे दंडवत करें, चाहे हमारा भाई लेकिन हम दंडवत क्यों करें, हम इतने गिर क्यों जाए, हमारी हालत ऐसे क्यों हो जाए। अगर उन लोगों ने प्रार्थना की होती, अगर उन लोगों ने परमेश्वर से विनती की होती तो मुझे लगता है परमेश्वर कुछ और उनके जीवन में करते। अगर ये लोग यूसुफ से अपनी बनाए रखते और यूसुफ को ना मारते, उसको ना बेचते, तो भी मुझे लगता है कि परमेश्वर तो यूसुफ को उठाना चाहते तो उठाते ही उठाते, लेकिन इनको यूसुफ को दंडवत नहीं करना पड़ता अगर यूसुफ के साथ बनाकर रखते। हालेलुया। जो सपना 13 साल पहले हो चुका उसके अनुसार हो गया, ये सही में समझ लो एक मूर्खता का काम है। अगर कोई आपको बताए, अगर परमेश्वर आपको बताए, परमेश्वर आपको सपने के जरिए बताए कि आप कहीं पर जाने वाले हो, आप निकलने वाले हो और कल इतने बजे तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तेरे दोनों पैर टूटने वाले हैं और फिर भी इंसान जाए और वहां पर उसका एक्सीडेंट हो जाए, दोनों पैर टूट जाए, तो गलती किसकी, जबकि परमेश्वर ने तो बता दिया था। परमेश्वर ने क्यों बताया, क्योंकि परमेश्वर आपको उस चीज से बचाना चाहते थे। हालेलुया। एक परिवार पति और पत्नी, उन्होंने सोचा कि हम इंडिया छोड़कर बाहर जाते और वहां जाकर अच्छी कमाई कर कर आते। उन्होंने किसी एजेंट को पैसे दिए और बताया कि हमको इंग्लैंड जाना है, उसने पैसे ले लिए, कोई बात नहीं मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बुलाकर पूछते आप प्रार्थना करो, हम इंग्लैंड जाना चाहते हैं, हम पैसे भर कर आए। मैंने बोला ये काम पैसे भरने से पहले मुझे बताना चाहिए था, पहले परमेश्वर से पूछना था परमेश्वर क्या कहते हैं, फिर हम आगे बढ़ते। चलो बोले कोई बात नहीं, प्रार्थना तो करो। जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने बता दिया कि ये लोग नहीं जाएंगे, इनका पैसा जाएगा। मैंने उनको बता दिया कि परमेश्वर मना करते, आप एक काम करो पैसा वापस ले लो। लेकिन इनको ऐसा था हमको तो कमाई करने जाना ही जाना है, ये तो प्रार्थना कर कर जो बात बोलते उसमें कौन सी सही होती है, वो तो पहले परमेश्वर बात करते थे, अब कहां परमेश्वर बात करते। इन्होंने इतना विश्वास नहीं किया कि। फिर भी प्रार्थना करवाते रहे। एक बार मैं और मेरा साथी गया, मेरे साथी को परमेश्वर ने एक ऐसी गिफ्ट दे रखी थी कि कहीं पर भी जाओ उसको विजन होता था। मैं सोचा मैं इसको पहले से बोल देता हूं वहां पर कोई भी विजन तो बोलना मत, ये लोग ऐसे ही नहीं मानते। लेकिन मैं बोलना ही भूल गया। और जब मैं वहां पर गया प्रार्थना की उन लोगों के लिए, इस भाई साहब को 2 विजन हुए। विजन ऐसा था कि किश्ती जो थी समुद्र में जा रही थी डूब गई, और दूसरा विजन हुआ कि खेत के अंदर बैल काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। परमेश्वर ने मुझे उसका मतलब दिया कि ये लोग जो फॉरेन जाने की बात कर रहे इनका पैसा डूबने वाला है, और जिस तरह से बैल खेत में काम करता है, मजदूरी करता है, लेकिन कमाई कौन खाता है, उसका मालिक खाता है। ये लोग बैल की तरह मजदूरी कर कर जो भी पैसा कमाया हुआ है वो एजेंट खा जाने वाला है, इनको नहीं मिलने वाला।
मेरे को एक बार फिर बता दिया। देखो मैं तो इसको बोलने वाला था कि विजन हो तो बताना मत, लेकिन मैं भूल गया। अब एक बार फिर मैं चेतावनी देता हूँ कि मत जाओ, पैसा निकलता है ले लो उसके पास से। इन्होंने फिर भी नहीं माना। एक बार फोन आ गया, वैष्णव भाई हम लोग जा रहे थे, आप जल्दी से आ जाओ। वह ठीक है, मैं गया उनके घर, मुझे बीच में बिठाया, पति पत्नी मेरे आस पास बैठे, फोटो खींचवा लिया। बोले हम वहां पर जाएंगे, आपका फोटो रखेंगे, आपको याद करेंगे। रात को उनकी ट्रेन थी मुंबई की, और सुबह सुबह उनका प्लेन था। वो लोग निकल गए, पूरी सोसाइटी वाले को, पूरे मोहल्ले वाले को इकट्ठा किया, सभी लोगों ने बधाई दी और वो लोग निकल गए। एक दिन, दो दिन, चार दिन हुए। मैं बोला चलो इनको फोन कर कर देखते हूँ क्या हाल है। मैंने जब फोन किया तो रिंग बजने लगी। मैं बोला ये लोग बाहर गए होते तो रिंग तो नहीं बजती, रिंग कैसे बज रही। मेरा नंबर देखकर उनको फोन उठाया। मैं बोला कहाँ हो। मैं बोला यही है। बोला घर पर ताला है। बोले हम होटल में छुप कर बैठे हुए। बोला क्यों। बोले वही हार पहनकर निकले हुए थे, लोगों को बताकर निकले थे कि हम तो जा रहे फॉरेन, हमारा जाना नहीं हुआ। बोले हम तो अभी होटल में है। एजेंडा बोला अभी आपकी टिकट अगले हफ्ते की है। तो बोले हफ्ता यहीं रुकते फिर हम लोग जाएंगे। 15 दिन हो गए, उस एजेंडे ने ना तो होटल का किराया दिया, कुछ भी नहीं। ये लोग वापस अपने घर पर आ गए। मैंने को बोला मैं पहले से बोल रहा हूं। चलो फिर भी एजेंट के पीछे पड़े रहे। अब एजेंट ने बोल दिया कि पति का जाना नहीं होगा, पत्नी अकेली पहले जाएगी, फिर मैं पति को भेज दूंगा, और वो भी इंग्लैंड नहीं, अभी मैं साउथ अफ्रीका भेज रहा हूं। इनको ऐसा कि पैसे तो मिल नहीं रहे, तो साउथ अफ्रीका ही चले जाते, और साउथ अफ्रीका जाना हो गया इनका। ये लोग निकल गए। ये लोग निकलने के बाद मैं हर रोज उस बहन के लिए प्रार्थना करता था। मैं प्रार्थना ये करना चाहता था कि परमेश्वर जब ये गई है तो अच्छे से कमाई कर पाए, जो भी उनका कर्जा हुआ है वो भी चला जाए। लेकिन जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठता था तो मेरे मुंह से शब्द ऐसे निकलते थे, परमेश्वर जिस तरह संभाल कर लेकर गए संभाल कर वापस लेकर आओ। मैं भी हैरान, परमेश्वर मेरे मुंह से ऐसे शब्द क्यों निकलते। और क्रिसमस का वक्त आया और एक बार बहन जी का मुझे फोन आया। मैं बोला कहाँ। बोले मैं घर पर हूँ, जल्दी से मुझे मिलने के लिए आप। मैं जब वहां पर गया मिलने के लिए, बोले मुझे बहुत चक्कर आ रहे, मेरे लिए सबसे पहले तो प्रार्थना कराओ। उनके लिए प्रार्थना की, कुछ ठीक हुई। मैं बोला आप कहानी बताओ क्या हुआ। बोले हम लोगों को यहाँ पर से भेज दिया गया और बीच में एक मालावी नाम का देश था, वहीं पर हमको उतार दिया। अफ्रीका का देश, हफ्सी लोग, वहां पर एक होटल में लेकर गए। हम जितनी भी औरतें थी सभी का सौदा कर लिया, सभी को बेच दिया। वहां हफ्सी लोग आए और जिसको जो पसंद आए उसको लेकर पैसे देकर चले गए। बोले मैं नहीं मानी, मैं नहीं बिकने वाली, मुझे वापस भेज दो, मुझे वापस भेज दो। सभी लोग पैसा खर्च कर कर गए थे लेकिन ये नहीं माने। वहां पर भी जादू टोना करवाने वाले को बुलाया, उसके सामने बैठकर उसके ऊपर बहुत जादू टोना हुआ। लेकिन यहां पर एक ही प्रार्थना हो रही, परमेश्वर संभाल कर लेकर गए, संभाल कर लेकर आओ। और जादू टोना के असर नहीं हुई। आखिर में वो लोग ने छुड़ा के छोड़ो छोड़ो इसको, भगा दो वापस, इसको वापस भेज दिया। जान बच गई, पैसा सारा चला गया। जो हम काम करते उसका फल मिलता ही मिलता है। इससे अच्छा पहले से मान लिया होता तो। परमेश्वर चाहते थे कि इनके पैसे बच जाए, परमेश्वर ने पहले से बताया और फिर भी नहीं माना और पैसे गवाना। आज इस बात को तकरीबन 10 साल हो गए, अभी भी वो लोग कर्जदार है। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते, फिर कर्जा हो गया, नौकरी छूट गई थी, पति ने भी छोड़ दी थी, अब नए सिरे से नौकरी, तनख्वाह कम, कैसे गुजारा करे, कैसे कर्ज भरे। हालेलुया, हालेलुया। और इस सारे कारणों के कारण अभी भी वो लोग कर्जदार है। आज उनके जीवन में शांति नहीं है,
लेकिन अगर उस वक्त मान लिया होता तो परमेश्वर आज भी करने के अनुसार तुरंत बदला देते। लेकिन जो वचन हमने पढ़ा था वहां पर परमेश्वर जो बात कर रहे वो अंतिम दिन की बात कर रहे। लेकिन ये सभी एग्जाम्पल हमने देखे तो परमेश्वर इसी धरती के ऊपर भी करने का फल देते। लेकिन बहुत ध्यान समझना, करने का फल हमारे हाथ में है। कैसे हमारे हाथ में? बाइबल में ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर ने नहीं लिखी? ऐसे कौन से काम है जो परमेश्वर ने नहीं लिखे कि ये काम करोगे तो मरोगे? परमेश्वर ने पहले से लिखा हुआ है मत करो वो काम, बुरा फल नहीं मिलेगा। पहले से तो लिख दिया गया है। दाऊद को परमेश्वर ने अपने नबी को भेजकर बताया कि दाऊद तूने गलती की। दाऊद ने क्षमा मांगी, परमेश्वर बोला क्षमा कर दिया जा। लेकिन फल वो तो मिलेगा, दो दो बार गलती हुई, दोनों बार पापों की क्षमा, दोनों बार उसको फल तो भुगतने पड़े। यूसुफ के भाई लोग जानते कि मेरे भाई को ऊंचा उठाया जाएगा, तो उसके साथ बना कर रखते तो बोलता है कि हाँ मेरा आगे दंडवत करो, फिर तो गले मिलाकर रखता अपने भाइयों को। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी नौबत नहीं आती, भाई के पास जाकर दंडवत करने की नौबत नहीं आती, उसके साथ अच्छी बनाकर रखते। तो अगर आज परमेश्वर हमारे आगे आके ऐसी भविष्यवाणी कर दे कि फलाना व्यक्ति है वो तुझे खत्म कर देगा, तुझे मार देगा, क्यों मारेगा वो? हमारी दुश्मनी होगी तो उसके साथ बनाकर रहो, कैसे मारेगा वो? परमेश्वर ने क्यों बताया? बचने के लिए तो परमेश्वर ने बताया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत ध्यान समझना कि परमेश्वर हमें बचाना चाहते, परमेश्वर हमको बचाना चाहते, इसलिए परमेश्वर एडवांस में बोलते, इसलिए परमेश्वर पहले से बोलते। और जो वचन हमने पढ़ा था प्रकाश की पोथी उसका 20वां अध्याय और कोई पढ़ो तो उसका 11वां पद, फिर मैं एक वड्डा अते चट्टा सिंहासन अते ओनू जिहड़ा उस उत्ते विराजमान सी वेख्या। परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना ने एक बहुत बड़ा सिंहासन देखा और वहां पर कई लोग खड़े हुए थे। पढ़ो आगे, जेदे सामने धरती अते आकाश नस गए। हाँ, ये धरती चले गए, आसमान चला गया, अते ओना दे लई कोई थां ना मिलिया। हाँ, अते मैं मुर्दियां नू की वड्डे की छोटे से आसन जाके खलोतियां वेख्या। जितने भी मुर्दा लोग थे, जितने भी आदम से लेकर उस वक्त तक मर गए थे, उस सभी आत्माओं को यूहन्ना ने वहां पर देखा। फिर अते पोथियां खोलिया गईया, यहाँ पर लिखा है पोथियां सारे पुस्तक खोल गए वहां पर। हालेलुया, हालेलुया, पुस्तकें खोली गई। एक और पोथी जीवन की पोथी है खोली गई, एक जीवन की पोथी है वो भी खोली गई। मुर्दियां का न्याय पोथियां च लिखा हुआ गल्लां तो उन्होंने कारनियां के अनुसार किया गया। जैसा जैसा लिखा था वैसे वैसे उनको फल परमेश्वर ने देना शुरू कर दिया। और अते समंदर ने वो मुर्दे जिहड़े ओहदे विच सन मोड़ दिते, अते काल अते पताल ने वो मुर्दे जिहड़े ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਿਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੂਈ ਮੌਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੋ ਡਾਲ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਕਰਨੇ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਮੇ ਲਿਖਾ, ਹਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਉਸਮੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। हालेलुया। एक और पोथी थी जिसको क्या लिखा गया है, जीवन की पोथी, वो भी वहां पर थी। जीवन की पोथी में क्या है, ये जीवन का पुस्तक वो पुस्तक है कि जिसमें जो लोग स्वर्ग में जाने वाले हैं उनका नाम लिखा गया है। हालेलुया, किसका नाम लिखा गया है? जो स्वर्ग में जाने वाले। हालेलुया, जीवन के पुस्तक में किसके नाम लिखे गए? जो कहां पर जाने वाला है? स्वर्ग में जाने वाला है। अब हम पढ़ते हैं कुछ का पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसका 32वां पद। हुण तू उनका पाप माफ करी और जे नहीं तो अपनी पोथी में चुंचड़ी तैल ही है मेनू मिटा सुती।
हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना, हम हमारे सब्जेक्ट पर आ रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं करने का फल, ये मत समझना कि ये तो बरसों से हम समझते हुए आए। यहां पर ऐसा लिखा है कि मूसा ने परमेश्वर के पास जाकर इज़राइल लोगों के लिए प्रार्थना की और मूसा परमेश्वर से कह रहे कि परमेश्वर इन लोगों ने पाप तो किया है, मेरी प्रजा ने पाप तो किया है, लेकिन आप उनके पापों की क्षमा कर दो, और अगर आप उनके पापों की क्षमा नहीं करना चाहते तो जो जीवन की पोथी है, जो जीवन का पुस्तक है, उसमें से मेरा नाम क्या करो, मिटा दो। हालेलुया। क्या लिखा है, मेरा नाम मिटा दो, मतलब मेरा नाम उसमें लिखा हुआ है। मूसा को मालूम है कि मेरा नाम जीवन की पोथी में है, परमेश्वर को बोलते हैं निकाल दो मेरा नाम, मुझे भी इनके साथ नरक में डाल देना, कोई बात नहीं, मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता। अगर इनको क्षमा नहीं करना है, इनको माफ नहीं करना है, इनको भी स्वर्ग में नहीं लेकर जाना है, तो परमेश्वर मेरा नाम भी मिटा दो, मैं तो मेरी प्रजा के साथ ही जाऊंगा। तो परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया, पढ़ो। यहोवा ने मूसा नु आख्या, हाँ, जिस मेरा पाप कीता, हाँ, मैं उसनु अपनी पोथी विच मिटा सुटांगा। जो पाप करेगा उसका नाम मैं कहां से मिटा दूंगा, जीवन जीवन की पोथी। हालेलुया। क्या लिखा है, जो पाप करेगा उसका नाम मैं कहां से मिटा दूंगा, जीवन की पोथी। बहुत ध्यान समझना, किसका नाम मिटाओगे, मिटाएंगे परमेश्वर, जो पाप करे। इसका मतलब वो पाप करने से पहले उसका नाम जीवन की पोथी में था। हालेलुया। इसका मतलब हम जब मर जाएंगे ना, तब हमारा जीवन की पोथी में नाम नहीं लिखा जाएगा, जब हम पैदा होते तब इसे लिखा जाता है, और जब पाप करोगे तब मिटाया जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रही बात। मूसा ऐसा कहते कि परमेश्वर मेरा नाम मिटा दो, मतलब लिखा हुआ है। तो परमेश्वर ने ऐसा बोला कि नाम तो मिटा दूंगा, लेकिन किसका, जो पाप करेगा। इसका मतलब जो पाप करेगा उसका नाम पहले से तो है ही। हालेलुया। लेकिन पाप करेगा तो मैं मिटा दूंगा। फिर बाइबल में पढ़ते हम जबूर में, जबूर 69 उसका 28 पद, ओ जीवन दी पोथी विचों मेड दित्ते जान अते धर्मियां दे नाल लिखे ना जान। बाइबल में लिखा है कि जो पाप करते हैं ऐसे लोगों के नाम वहां पर मिटा दिए जाए। इसका मतलब वहां पर लिखा हुआ नाम है। हालेलुया हालेलुया। जीवन की पोथी में मेरा आपका सबका नाम अभी लिखा हुआ है। लेकिन जिस वक्त इंसान पाप करता है, परमेश्वर क्या करते है, उसका नाम वहां से मिटा देते हैं। ये बाइबल में पहले से लिखा हुआ है। हालेलुया। ये पहले से लिखा हुआ ना, हमारे पैदा होने से पहले लिखा हुआ है कि ये काम परमेश्वर करने वाले, ऐसा वहां पर पहले से लिखा हुआ है। और फिर प्रकाश की पोथी में हम पढ़ते उसका 3 अध्याय उसका 5वां पद, जिला जितन वाला है उसे प्रकाश चिटे वस्त्र पहनाए जाएंगे, अते मैं ओदा नाम जीवन की पोथी विचों कदे ना मिटांगा। हाँ, परमेश्वर बोलते जो जीतेगा उसका नाम मैं कभी भी नहीं मिटाऊंगा। हालेलुया। उसका नाम परमेश्वर कभी भी नहीं मिटाएंगे उस जीवन के पुस्तक से। हालेलुया। बहुत ध्यान समझना, ये सारी बातें परमेश्वर ने हमको पहले से लिख कर दी गई। हमें पहले से क्यों लिखा गया, ताकि हमारे जीवन में वो परिस्थिति ना आए। याकूब यूसुफ के भाई लोग वो तो मूर्ख थे, ना समझते कि वो लोग जो पहले से जानते थे फिर भी उनके जीवन में ऐसी घटना हो गई। वो चाहते थे तो अपना भविष्य बचा सकते थे, वो अगर चाहते उस तरह से जीवन जीते तो यूसुफ के आगे उनको दंडवत नहीं करना पड़ता। लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से चलना चाह, अपने ज्ञान से चलना चाह, उनको ऐसा कि हम या परमेश्वर के वचन को मिटा देंगे, तो परमेश्वर के वचन को कोई नहीं मिटा सकता। हालेलुया। मूसा ने एक बार गलती कर दी,
मूसा ने दो मूसा को परमेश्वर ने दो फटिया दी थी जिसके ऊपर आगे और पीछे 10 हुक्म को लिख कर दिया था, और मूसा जब ऊपर से लेकर वो पहाड़ के नीचे आ रहे थे और तब नीचे लोगों को देखा कि लोग व्यभिचार कर रहे हैं, लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो गुस्से में आकर उन्होंने दोनों फटिया फेंक दी, वो टुकड़े टुकड़े हो गए। उसमें परमेश्वर के हुक्म लिखे हुए थे। और दूसरी बार जब मूसा ऊपर गए तो परमेश्वर ने क्या बोला, अब अपने लिए फट्टी तैयार करो, अब तू लिख, पहले मैंने लिख कर दिया था, तू मेहनत कर, तू लिख, लेकिन मेरे वचन तो वही के वही रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बाइबल नहीं, 10 बाइबल जला दो, अरे मैं तो बोलता हूं पूरे भारत से बाइबल जला दो, ये वचन क्या खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे खत्म। इसका मतलब है इसमें जो लिखा है वैसा होगा ही होगा, तो क्यों ना हम सुधर के वैसा ही जीवन जिए, ताकि वो सिंहासन हो, उसके सामने हम मुर्दे लोग आत्मा में वहां पर खड़े हो और परमेश्वर जीवन की पोथी खोले और उसमें हमारा नाम निकले। क्यों हम ऐसे काम करके हमारा नाम मिटाया जाए, क्यों हमको हमारे करने का फल मिले? इससे अच्छा है दो दाऊद के समान पाप को कबूल कर लो, इसी जगह पर भुगत लो, कोई बात नहीं। लेकिन वहां पर तो दाऊद बच जाएगा ना, क्योंकि यहां पर भुगत लिया। आखा ने भी यहां पर भुगता, लेकिन एक बार फिर भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने पापों को माना नहीं था। इससे अच्छा है कि अपने भविष्य को बचाना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, हो सकता है आज आपसे कोई गलती हो गई हो, हो सकता है ऐसे पाप गुना हो चुके, कोई बात नहीं, क्षमा मांगो और फिर से सही जीवन जियो। चाहे धरती पर फल मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन वहां तो ना मिले। बाइबल में पहले से लिखा है हम अपना भविष्य सुधार सकते, हम अपना भविष्य खुद बना सकते अगर बनाना चाहे तो। जिस तरह से दाऊद ने जीवन जिया, जिस तरह से मूसा ने जीवन जिया, हम अगर हम वैसा जीवन जिएंगे तो जीवन की पोथी से हमारा नाम कोई नहीं मिटा पाएगा। लेकिन अगर उस इज़राइल के समान करेंगे, उस आकान के समान करेंगे, तो हमारा नाम भी मिटाया जाएगा। और जब वो पुस्तक खोली जाएगी तब हमारे करने की पुस्तक खोलेंगे और करने का फल मिलेगा, तो समझो कि आग की झील मिलेगी। लेकिन उससे अगर बचना चाहते हो, आज से ऐसे काम करो ताकि जीवन की पोथी से हमारा नाम कोई ना मिटा सके। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, जिस सबके भाई लोग अपने भविष्य को बचा सकते थे, जब परमेश्वर एक कुल को अलग कर रहे, एक गोत को अलग कर रहे, एक परिवार को अलग कर रहे, तो आकान को पता होना चाहिए कि मुझे भी अलग किया जाएगा। उससे पहले अगर वो बाहर आ गया होता, उससे पहले अगर उसने कबूल कर लिया होता, तो हो सकता था उसको जीवन मिल जाता। मेरे प्रयोग करने के फल से आपको कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ आपका तोबा करना है और उसके बाद सच्चाई से और आत्मा से आज्ञाकारी में चलना है। वरना बाइबल में जो लिखा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो पहले से हमको लिख कर दिया और फिर भी हमारे जीवन में नरक आ जाए, आग की झील आ जाए, उससे बड़ा मूर्ख कौन कि जो जानता था, समझता था, जिसे पढ़ा हुआ था, जिसे सीखा हुआ था, फिर भी वो नरक में चला गया। क्या फायदा ऐसी बात हो सकती? हम मूर्खता ना करेंगे, लेकिन आज से परमेश्वर के ज्ञान से ज्ञानी बन जाओ, परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त कर लो और ऐसे जीवन जियो कि जीवन की पोथी से नाम ना मिटाया जाए। ऐसे कोई गुना ना करो कि जीवन की पोथी से नाम निकाला ना जाए, लेकिन आप बचाए जाओ। वो दिन आने वाला है, बल्कि समझो आ ही चुका है, उससे पहले अपने आप को बचा लो, अपना भविष्य तय कर लो, उसके अनुसार चलो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।